दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ओनली वन चांस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? चांस का मतलब होता है मौका। ओनली वन चांस मतलब सिर्फ एक मौका। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ चीट हु यूज्ड टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चीट का मतलब होता है धोखेबाज। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज ए चीट मतलब एक बार एक धोखेबाज था, हु यूज्ड टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इस वाक्य के अंदर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग वाक्य के अंदर किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर रेगुलरली किया करता था, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और चीट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हु यूज्ड टू चीट पीपल मतलब जो लोगों से धोखाधड़ी किया करता था फॉर हिज बेनिफिट अपने फ़ायदे के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ चीट हु यूज्ड टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट मतलब एक बार एक धोखेबाज था, या कह सकते हैं जालसाज था। हु यूज्ड टू चीट पीपल फॉर हिज बेनिफिट मतलब जो लोगों को अपने फ़ायदे के लिए धोखा दिया करता था, उनके साथ जालसाजी किया करता था। चलिए आगे देखिए। फाइनली द पीपल ऑफ द किंगडम वेंट टू देयर किंग फॉर हेल्प। क्या मतलब हुआ? फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि फाइनली मतलब आखिरकार द पीपल ऑफ द किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य, मतलब जो राज्य के लोग थे, वेंट टू देयर किंग वो अपने राजा के पास गए फॉर हेल्प मदद के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आखिरकार जो लोग थे राज्य के वो मदद के लिए अपने राजा के पास गए। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द चीट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है और ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन मतलब राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया टू कैच पकड़ने का द चीट उस धोखेबाज को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू कैच द चीट मतलब राजा ने अपने आदमियों को उस धोखेबाज को पकड़ने का आदेश दिया। ही वॉज सून कॉट एंड ब्रॉट टू द कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट जिसका मतलब होता है पकड़ना, और ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट जिसका मतलब होता है लाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज सून कॉट एंड ब्रॉट टू द कोर्ट मतलब वह जल्दी ही पकड़ा गया और उसे दरबार लाया गया। चलिए आगे देखिए। बट द
clever cheat pleaded with tears that he would never cheat again. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा past indefinite का affirmative वाक्य है और ये plea की second form है pleaded. प्ली का मतलब होता है विनती करना, गुजारिश करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्लीडेड. विद टीयर्स मतलब आंसुओं से, आंसुओं के साथ. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट द क्लेवर चीट प्लीडेड विद टीयर्स, लेकिन जो वो चालाक धोखेबाज था उसने आंसुओं के साथ विनती की दैट की ही वुड नेवर चीट अगेन. नेवर मतलब कभी नहीं, ही वुड नेवर चीट अगेन मतलब वह कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगा. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो जो चालाक धोखेबाज था उसने आंसुओं के साथ विनती की कि वह कभी भी दोबारा धोखाधड़ी नहीं करेगा. चलिए आगे देखिए. द किंग ट्रस्टेड द चीट एंड फॉरगिव हिम. और दोस्तों ये फॉरगिव की सेकंड फॉर्म है. फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना और ये सेकंड फॉर्म है. इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग ट्रस्टेड द चीट, जो राजा थे उन्होंने उस चीट पर, धोखेबाज पर विश्वास किया एंड फॉरगेव हिम, और उसे माफ कर दिया. चलिए आगे देखिए. द चीट वेंट अवे बट ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट ऑफ चीटिंग. क्या मतलब हुआ? ये गो की सेकंड फॉर्म है. वेंट अवे जो क्या मतलब हुआ? द चीट वेंट अवे, जो धोखेबाज था वो चला गया. बट ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट ऑफ चीटिंग. दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है. और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी नेगेटिव, तो डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. और चेंज का मतलब होता है बदलना, और हैबिट मतलब आदत. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द चीट वेंट अवे, जो चीट था मतलब धोखेबाज था वो चला गया. बट ही डिड नॉट चेंज हिज हैबिट ऑफ चीटिंग, लेकिन उसने अपनी आदत को नहीं बदला धोखाधड़ी करने की. चलिए आगे देखिए. आउटसाइड द सिटी ही सॉ अ रिच मर्चेंट. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकेंड फॉर्म है. सॉ आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर. ही सॉ अ रिच मर्चेंट, मर्चेंट मतलब व्यापारी, रिच मतलब अमीर. तो क्या मतलब हुआ कि शहर के बाहर उसने एक अमीर व्यापारी को देखा. ही मेड हिम अनकॉन्शियस एंड टुक हिज मनी. और ये टेक इज सेकेंड फॉर्म है टुक, जिसका मतलब होता है ले लेना, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश. ही मेड हिम अनकॉन्शियस मतलब उसने उसे बेहोश कर दिया. एंड टुक हिज मनी, और उसके पैसे ले लिया. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने उसको बेहोश कर दिया और उसके पैसे ले लिया. आगे देखिए. वाइल ही वॉज रनिंग ही स्लिप्ड एंड फेल. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है. पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्य के टेल पर रहा था, रहती, रहते जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है. और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है. तो ही सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का प्रयोग किया गया है. और वाइल का मतलब होता है दौरान. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वाइल ही वॉज रनिंग मतलब कि जब वह भाग रहा था, ही स्लिप्ड वह फिसल गया एंड फेल और गिर गया, और ये फॉल की सेकेंड फॉर्म है. हिज हैड स्ट्रक अ स्टोन एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस. क्या मतलब हुआ? हिज हैड स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है टकराना, और ये सेकेंड फॉर्म है. हिज हैड स्ट्रक अ स्टोन, जो उसका सर था वो एक पत्थर से लग गया, टकरा गया. एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वह बेहोश हो गया. चलिए आगे देखिए. द किंग्स मैन सॉ हिम. दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की. जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है. द किंग्स मैन सो हिम, जो राजा के आदमी थे उन्होंने उसको देख लिया. एंड टुक हिम बैक, और ये टेक की सेकेंड फॉर्म है. टुक हिम बैक, उसे वापस ले गए टू द किंग, राजा के पास. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग्स मैन सो हिम एंड टुक हिम बैक टू द किंग, मतलब राजा के आदमियों ने उसे देख लिया और उसे राजा के पास वापस ले गए. चलिए आगे देखिए. द चीट
pleaded again for forgiveness. दोस्तों ये जो आप वर्ड देख रहे हैं forgiveness, ये एक नाउन है, आप इसको नोट कर सकते हैं. और forgiveness का मतलब होता है क्षमा या फिर माफ़ी. और आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट करें कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं forgiveness, ये वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है संज्ञा. तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द चीट प्लीडेड अगेन फॉर forgiveness, मतलब जो चीट था, वो जो धोखेबाज था, उसने दोबारा से विनती की. किस चीज़ की, फॉर forgiveness, माफ़ी की उसने विनती की. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो धोखेबाज था उसने फिर माफ़ी के लिए विनती की. बट दिस टाइम मतलब इस बार, बट दिस टाइम लेकिन इस बार, द किंग सैड, राजा ने कहा, आई गेव वन चांस टू चेंज योर सेल्फ बट यू वेस्टेड दैट अपॉर्चुनिटी knocks the door once only. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये गिव की सेकेंड फॉर्म है, गिव का मतलब था देना और गेव मतलब दिया. तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तो राजा जो थे वो क्या बोले, आई गेव वन चांस, मतलब मैंने एक मौका दिया टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलने का, बट यू वेस्टेड, वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यर्थ कर देना, बट यू वेस्टेड दैट, लेकिन आपने उसको व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया. अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर और नॉक का मतलब होता है खटखटाना. और दोस्तों ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है. और यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है. और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है. नॉक का मतलब होता है खटखटाना और एस लगने के बाद ये हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म. और इसका रीज़न ये है कि जो शब्द आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा. तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली, मतलब जो अवसर है वो दरवाजे को सिर्फ एक बार खटखटाता है. तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो राजा साहब थे उन्होंने क्या कहा कि मैंने एक मौका दिया टू चेंज योर सेल्फ, मतलब अपने आप को बदलने का, बट यू वेस्टेड दैट, लेकिन आपने उसको गंवा दिया, आपने उसको व्यर्थ कर दिया. अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस ओनली, और जो अवसर है वो दरवाजा सिर्फ एक बार खटखटाती है. तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी लेकिन एक अच्छी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ. जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो व्यक्ति था उसे राजा साहब ने एक मौका दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस मौके को गंवा दिया, जिसकी वजह से उसे दोबारा उस परेशानी में आना पड़ा. तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी. मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी. यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें. और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिला हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं. यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय.